अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात वास्ते खास ला तादाद बेहदो हिसाब दरुदो सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज्जम पैगंबर कायनात रहमते कायनात सरवरे कायनात मुअल्लिमे इंसानियत फख्र आदमियत नूरुल हुदा इमाम कायनात जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम दी जाती मुकद्दस वास्ते ज़ीवकार मुअज्जद अहबाब सामिन हज़रात अजीज दोस्तों बुजुर्गों वाजिबुल एहतराम इज्जत दिलाएं मेरी माओ और बहनों, पिछले जुमे के अंदर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे वसी मौजूद अंदरों हुसने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुफ्तगू हुई सी। आज मैं इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक दे नाल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदरों एक सीरत का पहलू है अखलाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदे ते गुफ्तगू करनी है। अल्लाह दी जात सानू सोने अखलाक बनान दी तौफीक नसीब फरमाए। अज मैं उस पैगंबर दे अखलाक दा तज़करा करना है कि जिस पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पसीने दी अजमत इन्नी है कि एक नवीने सहाबी हजरत अब्दुल्ला इबन मकतूम रजी अल्लाह ताला अनहु दे कोलों किसी ने सवाल किया भी हजरत अब्दुल्ला बिन मकतूम जी तुसी अखा तो नबीने हो ते अल्लाह दे रसूल नूं तुसी बड़ी जल्दी तलाश कर लैंदे हो वजह की है। हजरत अब्दुल्ला बिन मकतूम फरमान लगे भी मैं अल्लाह दे रसूल नूं तलाश इंज कर लैंदा मैनूं इंज पता लग जांदा है अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बाजार विचों गुजर जांदे ने उन्हां दी महक खुशबू पहचान के मैनू पता चल जाता है कि इस बाजार विचों आमिना दे लाल मुहम्मद गुजर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस पीर दे अखलाक दा तज़करा खैर करने कि जिस पीर दे जिसम दा जिहड़ा पसीना है ना पसीना हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन ना नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पसीना नबी पाक दा पसीना एक शीशी दे अंदर बंद कर दिया पई सन ते पुछया गया भी इस पसीने नूं तुसीं शीशी अंदर बंद करके की करन लगियां जे ते सहाबिया फरमान लगियां भी अरब दे अंदरों जितनियां महंगियां तरीन खुशबूआं मिलदियां हैं ना इन्नी खुशबू किसी चीज़ अंदर भी नहीं जिन्नी खुशबू आमिना दे लाल मुहम्मद दे पसीने अंदर अल्लाह ने रख छड़ी है। अल्लाह दी जात सानू उस पैगंबर दे अखलाक दे मुताबिक अपना अखलाक बनान दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक दा आगाज इस गल तो करिए नबूवत दा आगाज होने तो पहले अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अजे तीकर अल्लाह दी जात ने नबूवत नहीं सी दीती अल्लाह दी जात ने रिसालत नहीं सी दीती नबूवत दी पग अल्लाह दी जात ने अजे नहीं सी दीती कि उदो ही मेरे पैगंबर दे अखलाक दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता सी। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलन तो पहले
महबूबे कायनात गारे हैरा अंदर जाते और उत्थे जाके अल्लाह की हमदू सना बयान करते, अल्लाह दियां तारीफां करते। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल गारे हिरा के अंदर अल्लाह की हमदू सना बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आए ते फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कि सोनिया पढ़ो। आपने फरमाया मां आना बेकारीन, मैं ते पढ़िया होया कोई नहीं। जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के रसूल नू अपनी जफ्फी अंदर लिया, दबाया ते दोबारा फिर फरमाया सोनिया पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़िया होया नहीं। दूसरी मरतबा फिर हजरत जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के रसूल नू अपनी जफ्फी अंदर लैके दबाया, फिर फरमाया अल्लाह के रसूल नू पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मां आना बेकारीन, मैं पढ़िया होया नहीं। चार मरतबा जिब्राइल अमीन ने इसे तरह कीता, अल्लाह के रसूल यही जवाब देते रहे मां आना बेकारीन, मैं पढ़िया होया नहीं। आखिरकार जिब्रील फरमान लगे पढ़ो इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी इस गुफ्तगू तो बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। महबूबे कायनात के चेहरे ते परेशानी दे आसार ने, महबूबे कायनात परेशानी दे आलम दे अंदर घर तशरीफ ले आए। हजरत अम्मा जी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाहु ताला अनहा नू फरमान लगे जमीलूनी जमीलूनी, खतीजा मेरे ऊपर जल्दी चादर ओढ़ दे। हजरत अम्मा खतीजा फरमान लगे हुजूर की गल है। आपने फरमाया खतीजा ऐस इस तरह का गारे हिरा के अंदर वाकया पेश आया जिहड़ा आज तो पहले मुहम्मद की जात नाल पेश नहीं सी आया। इवें लगता है मेरे नाल कोई हादसा होने लगा है, इवें लगता है जिवें जिन्ना चढ़न लगे ने, आ जिवें साडी बोली अंदर बोलिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होए ते हजरत अम्मा जी खतीजा रजी अल्लाह ताला अनहा फरमान लगियां हुजूर सोनिया तुहानू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह तुहानू जाया नहीं फरमानगे। एक कदों हजरत खतीजा ने गल की थी नबूवत मिलन तो पहले रिसालत मिलन तो पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे हजरत अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताला ना फरमा लगिया हुजूर अल्लाह तुहानू कदी भी जाया नहीं फरमानगे। आपने फरमाया खतीजा क्यों, हजरत अम्मा खतीजा के जुमले सुन लो। हजरत अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताला ना फरमा लगिया हुजूर सोनिया तुसी सिला रहमी बड़ी कर दे हो, तुसी लड़ाइयां मुकांदे हो, खुशियां तकसीम कर दे हो। हुजूर सोनिया तुसी बरादरी अंदर लड़ाइयां खत्म करके सुलो नू पसंद कर दे हो, ते जेड़ा सुलो पसंद करन वाला बंदा होए अल्लाह दी जात नू कदे भी जाया नहीं फरमांदे। और दूसरा जुमला अम्मा जी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा दा, अम्मा जान फरमान लगियां हुजूर सोनिया तुसी लोगां दे बोझ अपने कंधियां ते उठांदे हो, सोनिया तुहानू अल्लाह दी जात कदे भी जाया नहीं फरमानगे। और तीसरा जुमला अम्मा जी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा दा, अम्मा जी फरमान लगियां हुजूर सोनिया अल्लाह तुहानू कदे भी जाया नहीं फरमानगे। तुसी अपना पेट भुखा रख के, अपना पेट खाली रख के तुसी लोगां अंदर अपना खाना तकसीम कर दे हो, जिहड़ा अपने तो बढ़ के लोगां दी भुख दा प्यासा होए, लोगां दी भुख नू तरजीह देन वाला होए, सोणिया इहो जे बंदे नू अल्लाह कदे भी जाया नहीं फरमांदे। हुण गल याद रखनी है, अम्मा जी ने किन्ने जुमले बोले, तीन जुमले। पहला जुमला केड़ा, अम्मा जी फरमान लगियां हुजूर सोणिया तुसी सिला रहमी बड़ी पसंद करदे हो, सुलो पसंद हो, बरादरी अंदर तुसी लड़ाई नू पसंद नहीं करदे। सोणिया ते जिहड़ा सिला रहमी पसंद करन वाला बंदा होए अल्लाह दी जात नू जाया नहीं फरमांदे। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी दे बारे बहुत बड़ी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतां सुनाईयां ने। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नू दी गल सुन लो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नू एक दिन ना चलदियां चलदियां तायफ दी वादी अंदर चले गया जी साहब, तायफ दी वादी अंदर
ਤੇ ਤੈਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਣਗੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਫ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜਮੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਝੁਕਾਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਫਿਰ ਕਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਣ ਖੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲੋ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੌਣ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਖਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਲੋ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੂੰ ਸੁਲੋ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲੋ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੁਲੋ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ ਮਜਮੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਮਾਸੀ ਫੁੱਫੀ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਮਸੇਰ ਪਿਤਰੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਏ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਅਜਰ ਏ ਨਬੀਏ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬੀਓ ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਅੰਦਰ ਚੌਰੀ ਅਬਦਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਨਾ ਨਬੀਏ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਮਜਲਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲੋ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਨੇ ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹੇ ਵਈ ਇਨਾ ਇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਜਣੋ ਤੇਰੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ 1500 ਦੇ ਕਫਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ
तेरी भैन नूं तेरे फरूटां दी जरूरत नहीं, तेरी भैन नूं तेरियां ईदां दी जरूरत नहीं, तेरी भैन नूं दित्ते होए तेरे लिबास दी जरूरत नहीं, तेरी भैन नूं जरूरत है एक वीर दी मुस्कुराहट दी जरूरत होंदी है। भैन ते तरसदी है मैं अपने वीर दी मुस्कुराहट देख लवां, मैं अपने वीर दे दरवाजे ते जाके वीर दी खैर खरीयत पुछ लां। भैणां दे दरवाजे ना बंद करिया करो, इन्हां नुमाणियां दे दरवाजे ना बंद करिया करो, ना क्या कर तेरी मेरी दलीज ते तेरा आना बंद है, मरने परने बंद ने। ए भैणां नुमाणियां जिहड़ियां ना इन्हां दे दिल अल्लाह ने पता किदां दे बणाए ने, भैणां दे दिल भी अल्लाह दी जात ने मां जैसे बनाए ने, मां जैसे। अल्लाह दी जात सानूं सिला रहमी करन दी तौफीक नसीब फरमाए। अम्मा जी खतीजा फरमांदियां ने, हुजूर सोहणिया तुसीं सिला रहमी पसंद करदे हो, अल्लाह तुहानूं कदे वी जाया नहीं फरमाणगे। ते दूसरी गल किहड़ी कीती, हुजूर सोहणिया तुसीं लोगां दे बोझ उठांदे हो, लोगां दे बोझ, ते जिहड़ा लोगां दे बोझ उठांदा होए हुजूर सोहणिया अल्लाह उहनूं कदे वी जाया नहीं फरमाणगे। लै इह गल तवज्जो नाल सुणिया जी, ते अगला वाक्य क्या मैं नबी कायनात दा तुहाडी खिदमत ते पेश करन लगा। अम्मा जी फरमान लगियां, हुजूर सोहणिया तुसीं लोगां दे बोझ उठांदे हो, जिहड़ा लोगां दे बोझ उठांदा होए अल्लाह दी जात नूं कदे वी जाया नहीं फरमांदे। इहदी हुण दलील सुणिया जी। एक दिन रसूले कायनात सरकारी मदीना बाहर फिरन डए ने, जंगल बियाबान वाली साइड ने। रसूले कायनात ने सामने वेखिया एक बुढ़िया जी औरत, ये बुढ़िया जी औरत ये लकड़ा जमा की जा रही है, लकड़ा जमा की जा रही है। मेरे नबी पाक दे वल वेखी जा रहे ने, उम्र भी ज़ईफ़ुल उम्र है, बुढ़िया औरत है ते लकड़ा बहुत ज्यादा जमा भी कर दी है। मेरे नबी पाक वेखी जा रहे ने, इन्हें बहुत ज्यादा लकड़ा जमा की दिया, बड़ा जोर लाया, जोर लगा के इन्हें पन लकड़ा वाली इस बुढ़िया औरत ने अपने सर से रख ली, ते कमर झुक गई वजन की वजह तो, कमर झुक गई इस बीबी दी वजन की वजह तो। नबी कहना थोड़ा जा अगे बढ़े, मेरे मुस्तफा ने अखलाक दी पै करने, व इन्ना कलाला खुलुकिन अजीम दे मालिक ने इस बीबी दे कोलों ओ पंड लकड़ां वाली लै ली, मेरे पैगंबर ने अपने सर पाक ते रख ली, व जुहा दे चेहरे वाले ने, व लैल दी सियाइयां वाले ने, मेरे पैगंबर ने अपनी जुल्फां दे अपने सर पाक दे उस बिड्डी बुढ़िया औरत दा बालन चुक के रख लिया। आप फरमांदे ने, अम्मा रस्ता तू दस दे जाई, सफर तै मैं करदा जावांगा। ए बीबी कहंदी है करीब ही मेरा घर है, जिवें रस्ता पुछिए लोग कहंदे ने इत्थे करीब ही मुकाम है। ए बीबी कहंदी है मेरा घर करीब ही है, करीब चलदियां चलदियां करदियां करदियां लंबा सफर मेरे नबी पाक ने कीता, इस बीबी का घर आ गया सोलां जड़ी वाले। मेरे पैगंबर ने बीबी का बालन रख दे, जो बालन रखिया ना ते बीबी दौड़ के गई दूध लैके आई बकरी दा, कहंदी सोणिया तुसी अल्लाह दा अल्लाह दी जात ने तुहानू बड़ा हुसन दिता है, बड़े तुहाडे काम चंगे ने, तेरा दादा बड़ा चंगा होएगा, तेरा बाप बड़ा चंगा होएगा। मां ने दुआवां दित्तियां, कहंदी बेटा ऐ दूध पी, नबी पाक ने दूध पीता, आपने वापसी का सफर शुरू करना शुरू किया। बीबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली, कहंदी बेटा एक मिनट बैठ जा, तू मेरे नाल भला किया है, हुण मैं तेरे नाल ही भला करन लगी हाँ। पता है सोलह जिड़ी वाले की जुमले बोले बीबी ने, बीबी घर चली गई ते करो जाके रोई कढ़ के लियाई, रोई लिया के नबी पाक की खिदमत पेश कर दीती। आप फरमाते ने बीबी ए रूई नू मैं की करना है, ते बुढ़िया कहंदी है नौजवाना ए रूई लै जा, तू मक्के दे रहन वाला है, ए रूई कन्ना विच पा ली जदों मक्के जाए, मैं तेरे नाल भला करन लगी हाँ। मक्के दे विच एक मुहम्मद नामी बंदा रहिंदा है, उहदे बाप दा नाम अब्दुल्ला है, जदों मुलाकात होवे उह जबान तों कुछ शेर पढ़दा है, कुछ लफ्ज़ पढ़दा है, ते जिहड़ा उहदे लफ्ज़ सुन लवे उहदे ते जादू उहदा चल जांदा है। बेटा तू मेरे नाल भला कीता ना, मैं तेरे नाल भला पी करनी हाँ, रूई लै जा कन्ना विच पा ला। जदों वह नौजवान कज़ाब दे मजनू नौज़बिल्ला मिले, उन्हू वेख के कन्ना च रूई पा लवी ताकि उहदा जादू तेरे ते ना चल सके। जदों एक गल माई ने कीती सोलह जिड़ी वाले हो, मेरे नबी पाक दी अखां विच आंसू आ गए, मेरे पैगंबर रोण लग पे। बीबी कहंदी नौजवाना मैं तेरा दिल ते दुखाया कोई नहीं, तू
हुजूर रोई क्यों जा रहे हैं? मेरे पैगंबर दी अखां च आंसू जारी हो गए ने, आप रोई जा रहे ने। बीबी कहंदी नौजवाना रोण वाली केड़ी गल है, मैं तैनू भला कीता है तेरा तू रोई जाना है। मेरे पैगंबर फरमाते ने अम्मा कोई गल नहीं, नबी पाक उठे ते चलना शुरू कर दिता। बीबी कहंदी नौजवाना बैठ जा, तू मेरे नाल भला कीता है, रोण दी वजह दस ते बाद ते सफर शुरू करी। आप फरमाते ने अम्मा रहण दे माई इसरार की जा रही बेटा, अखां विचों जड़े आंसू निकले ने ना मेरी गल्लां दी वजह तो उहदी वजह दस ते फिर जान देंगी। मेरे पैगंबर ने लब हिलाए, ओए सोलह जिड़ी वाले हो जिड़ी माई कही जांदी सी ना मजनू ते पागल ते कज़्ज़ाब है। आप फरमाते ने अम्मा जिन्हों मजनू ते पागल कही जांदी सी ना ओही मेरा नाम मुहम्मद है। हस कर बोले पाक नबी सुन लिया मैं कहना तेरा, जिन्हों तू जादू कर आखे ओए नाम मुहम्मद मेरा। आप फरमाते ने अम्मा जिन्हों जादू कर कहती पी से ओ मैं मुहम्मद ही हां। माई कहती अच्छा तेनू जादूगर कहते ने तू अब्दुल्ला का बेटा है? आप फरमाते अम्मा जी हाँ मैं अब्दुल्ला का बेटा, मैनू मुहम्मद कहते ने ते मैनू ही मक्के वाले मजनू ते साहिर ते कज़्ज़ाब भी कहते ने। ते अम्मा जी पता की कहती है? अम्मा कहती मुहम्मद गल सुन, जे तेनू मजनू कहते ने जे तेरे जादू तो लोग बचते ने फिर बेटा तेरा जादू मेरे ते भी चल गया है, हाथ बढ़ा के ते बैत कर। नबी कैनात ने फरमाया मां नबी कदे भी औरत दे हाथ ते बैत नहीं करदे। बीबी कहंदी होर की होएगा? नबी कैनात फरमांदे ने अम्मा पढ़ अशहादु अल्लाह इल्लल्लाह व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक पंड लकड़ी दी मेरे पैगंबर ने उठाई सोलह जिड़ी वालियो, ते बीबी जिहड़ी है ओ जहन्नम तो बच गई। जिहड़ी जादूगर कही जांदी सी मेरे पैगंबर उहदे सामने मुस्कराई जांदे सी। एक होर मेरे पैगंबर दे अखलाक दी गल सुणिया जे, रसूले कैनात दा अखलाक घर तू चैक कर लैने आ, पता है ना साडे वी करां दा, साडे घरों पुछिया जाए ना तुहाडा बेटा किहो जाए, बीवी कोलों पुछिया जाए तुहाडा खामद किहो जाए, पता है साडियां बीबियां साडियां शिकायतां दीआं लैणां ला दिंदियां ने। आओ नबी पाक दा अखलाक नबी पाक दे घर विचों पुछ लईए। एक आण वाला आया आ करके कहिंदा अम्मी आयशा सिद्दीका नूं, अम्मा जान नबी पाक दे अखलाक दे बारे कोई गल दस दिओ, नबी पाक दा अखलाक किहो जिहा सी? ते अम्मा जान बोलियां, आप अम्मा जी फरमादियां ने ओए सवाल करन वालिया क्या तू कुरान नहीं पढ़िया, क्या कुरान दी तिलावत नहीं कीती? ए सवाल करन वाला कहिंदा अम्मा जी मैं कुरान पढ़ना तिलावत करना। अम्मा जी फरमादियां ने नबी पाक दे अखलाक दे बारे सवाल करन वालिया अल्लाह दे कुरान दे ती पारे मेरे मुहम्मद दा अखलाक है, ती पारे मेरे नबी पाक दा अखलाक ने। इह ते नबी पाक दे घरों सवाल कीता ना बीवियां कोलों, एक होर सवाल कर ली घर वाले बेहतर जानते हैं ना, घर वालों नूं ज्यादा पता होंदा है। आओ अपन नबी पाक दे घरों एक होर सवाल कर ली किहदे कोलों, जिन्हें नबी पाक नाल 10 साल गुजारे। किन्ने साल जी? 10 साल। ते कौन सी जदों नबी पाक मदीना तैयबा गए ना ते एक बीबी आ गई कहिंदी सोणिया बड़िया बड़िया लोगों ने बड़िया चीज़ा पेश की दिया ने, सुनिया मेरे को कुछ भी कोई नहीं, आ एक बेटा अल्लाह को मांग के लिया सी जिदा नाम है अनस रजी अल्लाह तआला नो, सुनिया ये तुहाडी खिदमत वास्ते तुहाडी मुलाजमत वास्ते पेश करनी आ। अम्मा जान ने हजरत अनस नो नबी पाक की खिदमत वास्ते पेश कर दिता। ते किन्नी खिदमत की हजरत अनस ने? एक साल नहीं, दो साल नहीं, पांच साल नहीं, सात साल नहीं, हजरत अनस ने नबी पाक की खिदमत की 10 साल। सोलह जड़े वाले हो साडे कोल सुबह मुलाजम आंदा है ते शाम नूं पता चलदा है मुलाजम छड गया, की होया जी? अहे जी मुलाजम नूं गालां कढ बैठा सां, टाइम नाल रोटी नहीं दे सकिया, मुलाजम नाल मंदा बोल बैठा। ओ साडे कोल मुलाजम एक महीना नहीं कटदा, एक महीना नहीं गुजारदा, साडी दुकान
दुकान से जड़ा गा गाना शुरू हो जाए ना एक महीने बाद वह दुकान बदल लैंदा है। और सुनिया नबी पाक का मुलाजम हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने खिदमत की थी नबी पाक दी 10 साल। हजरत अनस को पूछिए नबी पाक का अखलाक। हजरत अनस कहते हैं लोगो मैं 10 साल नबी पाक की खिदमत की थी। 10 साल मेरे वाल तवज्जो करें जे 10 साल खिदमत की थी। हजरत अनस कहते ने 10 साल के अंदर आमिना दे लाल मुहम्मद ने एक दिन भी मैनू उफ भी नहीं आख्या। गाल करनी मंदा बोलना चेहरे ते शिकना पानिया ए ते दूर दी गल। हजरत अनस फरमाते ने 10 साल अंदर आमिना दे लाल मुहम्मद ने एक दिन भी मैनू उफ नहीं आख्या। आओ एक होर करो सवाल कर लिए। एक आन वाला आया आ करके अम्मा आयशा नू कहंदा है अम्मा जान नबी पाक दे घर दा को वाकया अज सुना देवो। ते अम्मा जान फरमादियां ने बैठ तैनू वाकया सुनावां। अम्मा जान फरमादियां ने हजरत अम्मा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिहड़ियां ने एक खाना बना दिया माहिर सन नाश्ता बड़ा अच्छा बना लैंदियां सन ते हजरत अम्मा आयशा फरमादियां ने एक दिन इन्हां ने नबी पाक वल नाश्ता भेजना चाहिया मेरे कोलों बर्दाश्त ना होया। नबी पाक मेरे घर होण ते नाश्ता दूसरे करवावे इंज हो नहीं सकता। अम्मा जान फरमादियां ने हजरत अफसा ने नाश्ता तैयार किया नबी पाक वल भेजिया। अम्मा जान फरमादियां ने जिहड़े बर्तन में नाश्ता आया सी मैं हाथ मार के वह प्याला तोड़ दिता। जदों प्याला टुट गया ना सामने नबी पाक भी बैठे हुए सन। साडे घर दे हालात वेखिया जे किदां दे ने साडे हालात छोटिया छोटिया गल्लां तो तलाकां तक नौबत आ जांदी है। असी नहीं वेखदे छोटी जी गल नूं असी उह छोटी जी गल ही ना बना लैंदे आ ते छोटी जी गल दे बदले असी उह अपने सहुरे दा एहसान सारा ही भुल जांदे आ। नहीं वेंदे साडे ससुराल वालिआं ने साडे वास्ते कितनियां कुर्बानियां दित्तियां अपना जिगर सानू दे दिता अपना माल सानू दे दिता अपनी अखां विच आंसू वेख ले बेटी शाम दे टाइम साडे हवाले कर दिती गड्डी च बिठा दिती। आ वेखिया जे नबी पाक दा घर नबीए कायनात भी देखदे पए ने। नबीए कायनात ने वेखिया आयशा ने प्याला तोड़ दिता है हुण हुंदा कोई साडे वर्गा सीना सोटा बना लैंदा बड़ी दूर तक गल नूं लैके जांदा तूल पकड़दी गल। नबी पाक मुस्करा रहे ने। अम्मा जान फरमांदियां ने मैं नबी पाक वल वेखिया मैनू खतरा महसूस होया अज मेरी खैर कोई नहीं प्याला तोड़ तोड़ दिता जाणगे। ते नबी पाक सामने मुस्कराई जा रहे ने आप फरमांदे ने नी आयशा करीबा मेरी गल सुन। अम्मा जान फरमांदियां ने हुजूर की आ डरे नबी पाक करीब आए नबी ए कायनात मुस्कराए आप फरमांदे ने आयशा तैनू कुछ भी नहीं आखना हुजूर की गल है। आप फरमांदे ने इन्ना कुछ ही कहांगा ए टुटिया प्याला चुक के अपनी अलमारी विच रख ला अपनी अलमारी चो नवा प्याला हफ्सा वाल भेज दे तेरे नाल नाराज भी कोई नहीं होना तैनू मंदा लफ्ज भी कोई नहीं बोलना। ओ यार इंज दी जिंदगी गुजार कर दे अंदर छोटिया छोटिया गल्लां नू ना इनाह दा मसला बनाया कर ना तलाकां तक लैके गया कर। अज किसे दी बेटी नू सताएगा ना कल तेरी बेटी ने इस नौबत आना सुनिया। अज किसे दी बेटी नू अंदर कमरा बंद करके चंडा मारे गाना एक दिन आने सोनिया ए दुनिया मका फातिया मले एक दिन बदला देना ही पैना है। एक दिन तेरी बेटी भी रोंदी तेरे दरवाजे ते जरूर दस्तक देगी। आज किसे दी बेटी दा एहतराम करेगा ना ते कल तेरी बेटी दा भी एहतराम किया जाएगा। नबी पाक दा अखलाक वेखे अजे बना अपने अखलाक नू नबी पाक जैसा अखलाक। और यार इस नबी पाक दे उहदे तो वड्डा किसे दा उहदा हो नहीं सकदा। पर नबी पाक दा अखलाक वेखिया जे एक दिन नबी पाक सफर पे करदे ने हजरत सिद्दीक भी नाल ने रजी अल्लाह तआला नो ते सामने कुश्तियां पे आउंदियां ने कुश्तियां दे कोलों गुजरे ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उस कुश्तियां दे अंदर एक पहलवान कुश्ती पिया करदा है जिहदा नाम रुकाना है। ये बड़ा मशहूर पहलवान है इन्हें कुश्ती वाला मैदान छड़ दिता बाहर आ गया। आके कहंदा है मुहम्मद सुनिया तू नबूवत दा ऐलान कीता है फिरना। आप फरमांदे हाँ मैं ऐलान कीता है ते मैं हाँ भी अल्लाह दा नबी
रुकाना कहंदा है जे तू वाकिया ही नबी है ना ते फिर गल सुन मेरे नाल कुश्ती कर। मेरे पैगंबर ने यह नहीं आखिया नबियां दा कम कुश्ती करना नहीं आंदा, तू किदां दी गल नबी नाल पिया करना है। आप फरमांदे ने रुकाना जे मेरे कुश्ती करन नाल रुकाना जहन्नम तू बच जाए, मुहम्मद कुश्ती करन लई तैयार है। मैदान सज गया, रुकाना ने तैयारी कर ली। रुकाना कहंदा मुहम्मद जल्दी कर अपना कपड़े कसला। आप फरमाते ने नबी हमेशा वास्ते तैयार होंदे ने, आ जा मैदान विच। मैदान सज गया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने सोणिया ये बड़ा ताकतवर है, ना कुश्ती करिया जे। आपने फरमाया कोई गल नहीं। नबी पाक ने हाथ लाया सोलह जिड़ी वाले उस पहलवान नू जिन्हों बड़ा ना सी अपने आप दे। नबी पाक ने इंज डाया सट भी नहीं लगन दिती बड़े प्यार नाल। नबी पाक ने दी इंज कंड लाई जमीन ते जिवें मां अपने बच्चे नू दुध पिला के चार पाई ते सुला दिंदी है। है दुश्मन है दुश्मन ते नबी पाक ने सट नहीं लगन दी। इंज जमीन ते सुलाया जिवे मां दुध पिला के बच्चे नू सुला दिंदी है। ये पता है की कहंदा है, कहंदा सोणिया एक बार होर मौका दिओ, पैर तिलक गया है, पैर तिलक गया है। आपने फरमाया कोई गल नहीं दोबारा आ जा। कहंदा सोणिया दोबारा कुश्ती करो, अगर टा लोगे ना ते सोणिया सौ बकरी भी देंगा ते कलमा भी पढ़ लवांगा। नबी पाक ने दोबारा इंजी नू सुलाया जिवे मां दुध पिला के चली च बकरे नू बेटे नू सुला दिंदी है। ये फिर कहंदा पैर तिलक गया, 200 बकरियां देंगा। तीसरी बार नबी पाक ने फिर गिराया ते नाले जमीन ते लेटिया होया है ते नाले कहंदा सोणिया गल सुन लो, बकरियां बाद ते देंगा, रुकाना दा दिल पहले वसूल कर लो। बकरियां बाद ते देंगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूल। नबी पाक दा अखलाक सुनिया जे आखरी गल ते गल मुकाई। एक दिन नबी पाक मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमा रहे, एक आन वाला बद्दू आ गया। कईआं बंदिआं नूं गल दा नहीं ना पता हुंदा ते ना पता होए ते उहनां नाल दर गुजर करीदा हुंदा है, फायदा हो जांदा है। नबी पाक तशरीफ फरमा रहे, एक आन वाला बद्दू आया किहड़ी जगह ते, मस्जिद नबवी दे अंदर। मस्जिद नबवी अंदर आ करके देने मस्जिद नबी दे सीने अंदर पेशाब करना शुरू कर दिता। सहाबा दौड़ पेंदे वल, ये होंदा कौन है मस्जिद नबी अंदर पेशाब करने वाला। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबी हो ना करो, इन्हों पेशाब कर लैन दो। इन्हें पेशाब कर लिया। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबी हो, लियाओ पानी वाले डोल, ये बहा देवो। पानी के डोल बहा दिते गए। नबी पाक ने इन्हों अपने करीब बुलाया। आ फरमाते ने ओए बद्दू, तैनू नहीं सी पता इस जगह का, कोई तेरे घर पेशाब करे तू गवारा कर लेगा। कहंदा नहीं जी मैं नहीं गवारा करांगा। आपने फरमाया गल सुन, तेरा घर ते आम है, ए घर रब्बे कायनात दा अजीम घर है, इन्हां घरां विच पेशाब नहीं करीदा, जा चला जा इंदा तू एहतियात करी, तेरी कोई सजा नहीं। ये कहंदा सोणिया सब तू बड़ी सजा ते दे दित्ती जे। आपने फरमाया मैं ते सजा दित्ती कोई नहीं। ये कहंदा दिल लै लिया जे, हुण भेजना किधर चाहते हो। सोणिया पहले कलमा पढ़ा दिओ ते बात मस्जिद चो कढ दिया जे। एक कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया। एक होर गल सुन, समामा बिना साल आ गया, सहाबा ने लिया के मस्जिद दे सतून नल बन दिता। आप फरमाते ने सहाबी कौन है, सुनिया तुहाडा दुश्मन समामा यमन दे इलाके दा। नबी कहनात आए, आपने फरमाया समामा मेरे वल वेखते सही। ये कहंदा वेखना की है, तुहाडा चेहरा मैनू सब तो बुरा चेहरा लगता है। नबी कहनात मुस्कराया, आपने फरमाया कोई गल नहीं, अगे चले गए। आपने फरमाया सहाबी हो इहदा खाना ना लैके आया जे, सुनिया भूखिया मारना जे। आपने फरमाया नहीं, ये दुश्मन मेरा है, गाला मैनू देंदा है, इहदा खाना तुसी नहीं, इहदा खाना आएगा आमिना दे लाल मुहम्मद दे करो आएगा। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जोहर दिखाए, के खुद खा के जौहर जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी।
समामा नु खाना खिलाया दूध भी पिलाया दुश्मन नु ते दूसरे दिन उसने नबी पाक ने फरमाया की ख्याल है तेरा कहंदा ओही ख्याल है पहले वाला तेरे जैसा बुरा चेहरा किसी दा नहीं तेरी बस्ती जंगी रंगी बुरी बस्ती किसी दी नहीं। नबी पाक ने तीसरे दिन फिर सवाल किया ओही जवाब नबी पाक ने फरमाया दिया मुश्कां खोल दो उन्हें रिहा कर दो ये मस्जिद जो बाहर निकलिया ते थोड़ा जा अगे चल के वापस आ गया आपने फरमाया तैनूं ते रिहा कीता सी वापस आ गया कहंदा सोणिया रिहा उदो कीता जे जदों दिल आमिना दे लाल मुहम्मद दी गोद जा चुकिया सी सोणिया कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान बना लो। अजीज दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह दी जात अगे दुआ है अल्लाह दी जात सानू अपने अखलाक सोहणे बनाउण दी तौफीक नसीब फरमाए। वाकूल कौली हादा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।